हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रेजी फॉर व्हील्स एंड माय नेम इज अनिकेत। आज हम देखने जा रहे हैं Hyundai की न्यू ब्रांड I10 Nios। इसका हम एक वॉकर रिव्यू करने वाले हैं। इसके क्या क्या अपडेट्स आए हैं, इसका प्राइस क्या है, गाड़ी दिखने में कैसी है, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो को एंड तक देखिए। ये गाड़ी देखने के लिए हम जाने वाले हैं R.R.Kirad जो कि आता है पुणे सोलापुर हाईवे पे, मांझली में आता है हड़पसर के नजदीक। तो यहाँ पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं गाड़ी Hyundai की किसी भी गाड़ी के बारे में। तो वीडियो को एंड तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। सो लेट्स गो डायरेक्टली टू द वीडियो। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, हमारे सामने है Hyundai की न्यू ग्रैंड I10 Nios। आप देख सकते हैं इसके फीचर्स। तब तक मैं आपको प्राइस बता देता हूं इसका। फॉर पेट्रोल Nios Sportz Amt मॉडल, इसका एक शोरूम प्राइस रहेगा 6.98 लाख और ऑन रोड पड़ेगा आपको 8.28 लाख में। और डीजल वेरिएंट का ले लो सेम मॉडल Sportz Amt तो 7.85 लाख इसका एक शोरूम रहेगा और 9.42 लाख ऑन रोड रहेगा। बट ये एक इंडिकेटिव प्राइस है, शोरूम टू शोरूम प्राइस वेरी करेगा। सो एग्जैक्ट प्राइस आपको शोरूम में ही पता चलेगा, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये रहा इसका फ्रंट लुक। गाड़ी दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है पुराने I10 से। तो इसमें फीचर्स काफ़ी दिए हुए हैं, बट इसका प्राइस भी उस रेंज में रखा गया है। तो आगे से इसका लुक देख सकते हैं, काफ़ी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और वो सब इसमें दिया गया है। तो हेडलैम्प्स जो है आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं इसमें, नीचे आपको प्रोजेक्टर फॉग लैम्प्स भी मिलते हैं। तो ये एक इसकी अच्छी बात है। बूमरैंग शेप के इसके DRLs मिलते हैं, डे टाइम रनिंग लाइट्स, तो वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं। क्रोम का काफ़ी अच्छा यूज़ किया है। Hyundai का बैजिंग मिलता है आपको। सो ओवरऑल काफ़ी दिखने में गाड़ी अट्रैक्टिव लगती है। बॉनेट पे आपको लाइंस मिलते हैं जो कि एक यूनिक लुक देता है गाड़ी को। सो इसका जो इंजन है पेट्रोल इंजन, वो है VT कैप्पा पेट्रोल इंजन 1.2 लीटर, दैट इज़ 1197cc का पेट्रोल इंजन आता है, 4 सिलेंडर वाला, जो कि पावर जनरेट करता है 83 PS एट 6000 RPM और टॉर्क प्रोवाइड करता है 11.6 kgm, विच इज़ रफली अराउंड 113.75 Nm एट 4000 RPM। और डीजल इंजन आता है इसमें 1.2 लीटर का CRDI डीजल इंजन, जो कि जनरेट करता है 75 PS का पावर एट 4000 RPM और 19.4 kgm का टॉर्क, दैट इज़ 190.24 Nm का टॉर्क एट 1752-2250 RPM के बीच में। तो काफ़ी इंजन ऑप्शन अच्छे हैं इसमें। और इसका एफिशिएंसी जो है पेट्रोल के लिए वो 20.7 kmpl का ARAI क्लेम्ड है। इसमें स्मार्ट ऑटो का फीचर भी आता है, तो AMT काफ़ी अच्छा है इसका। अलॉय व्हील्स दिए गए हैं जो कि ब्लैक कलर में आते हैं, दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव आता है इसमें। तो यहाँ पे आपका टायर प्रोफाइल देख सकते हैं, 165/70 R14 के अलॉयस दिए गए हैं इसमें। और आप टॉप मॉडल लेंगे इसका एस्टा मॉडल, जिसमें आपको 15 इंच के अलॉयस मिलेंगे, तो एक 175/60 का उसमें टायर प्रोफाइल आएगा। सो उसमें आपको बड़े व्हील्स मिलते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी आपको डिसेंट मिलेगा इसमें, सो ग्राउंड क्लियरेंस का आपको कुछ इश्यू नहीं होगा। सिटी स्पीड ब्रेकर्स में इजीली क्रॉस कर जाएगी ये गाड़ी। सो और व्हील्स देख सकते हैं आप यहाँ पे, काफ़ी अट्रैक्टिव है। सस्पेंशन सेटअप फ्रंट में आपको मिलता है मैकपर्सन स्ट्रट और रियर में मिलता है कपल टॉर्शन भी मैक्सेल। तो पीछे आपको टेल लैंप्स का डिज़ाइन देख सकते हैं आप, हेलोजन के ही बल्ब रहते हैं इसमें। यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स वेरिएंट का बैजिंग मिलता है, नीचे आपको Nios का बैजिंग मिलता है और लेफ्ट साइड में आपको ग्रैंड I10 का बैजिंग मिलता है। बीच में Hyundai का लोगो भी दिया गया है। रियर वॉशर और वाइपर इसमें स्पोर्ट्स वेरिएंट पे नहीं आता है, टॉप मॉडल लेंगे तो ही आपको उसमें मिलेगा। तो रियर पार्किंग सेंसर से रियर व्यू कैमरा भी अवेलेबल है इसमें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्यूल लीड। तो ओवरऑल चारों तरफ से हमने गाड़ी देख ली है, गाड़ी दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है। ये इसकी की है, फ्लिप की मिलती है आपको। लॉक अनलॉक और बूट ओपनर का इसमें स्विच दिया हुआ है। सो गाड़ी आपको अंदर से दिखा देता हूँ मैं। सो पहले इसका डोर देख लेते हैं। इसमें आपको ड्यूअल फिनिश मिलता है कलर में। सो काफ़ी अच्छा टेक्सचर दिया गया है इसमें। मिरर के कंट्रोल्स दिए गए हैं, पावर विंडो के कंट्रोल्स दिए गए हैं। सो ये गाड़ी डोर ओपन करते ही आपको एक प्रीमियम फील देगी। वाटर होल्डर्स भी दिए गए 1 लीटर और 4 स्पीकर के साथ आता है म्यूजिक सिस्टम और ट्विटर्स भी अवेलेबल है। सो टॉप मॉडल में आपको ये सब मिल जाएगा फीचर्स। सो सीटिंग भी इसका काफ़ी कंफर्टेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीट के एडजस्टमेंट का लीवर दिया गया है, मैनुअल एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको बूट ओपनर, सॉरी इट्स फ्यूल लीड ओपनर दिया गया है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं
यहाँ पे डेड पेडल दिया गया है, AMT वेरिएंट क्लच नहीं है इसमें, बीच में ब्रेक और एक्सेलेटर है। तो हेडलैम्प लेवल स्विच यहाँ पे आप एयर वेंट्स देख सकते हैं, एसी वेंट्स। तो डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है इसका। सो ये रहा इसका स्टेयरिंग का लुक। Hyundai का बैजिंग मिलता है आपको, ऑडियो के कंट्रोल्स मिलते हैं इसमें, बाकी क्रूज कंट्रोल वगैरह ये सब इसमें नहीं आता है। ओवरऑल आपको इसका जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है वो मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। लेफ्ट साइड पे जो RPM मीटर है वो एनालॉग दिया गया है, और बीच में डिजिटल मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले दिया गया है जिसमें आपको स्पीड भी दिखेगा। तो इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको, गाड़ी के रेंज क्या है, गाड़ी का एवरेज कंजम्पशन कितना है फ्यूल का, उसके साथ साथ आपको इंस्टेंटेनियस माइलेज भी बताएगा, और ट्रिप मीटर्स मिल जाएंगे, ओडोमीटर दिखेगा, और फ्यूल इंडिकेटर भी इसी में आपको दिख जाएगा, और बाकी आपको वार्निंग लाइट्स नीचे दिखी रही है सारी। तो इसमें आपको ABS मिल जाएगा, दो एयरबैग्स मिल जाएंगे। तो बीच में आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले मिलेगा 20.25 सेंटीमीटर का, लगभग 8 इंच का डिस्प्ले है। सो डिस्प्ले इसका काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पे DRVM का ऑप्शन आपको अवेलेबल करा के दिया गया है, जो कि ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटरिंग जिसे बोलते हैं। सो गाड़ी आप चलाते चलाते ये फीचर ऑन करके आप पीछे का ट्रैफिक का अंदाजा ले सकते हैं इसी से, और ये रियर व्यू कैमरा भी उसी के साथ साथ एज फंक्शन करता है। सो यहाँ पे आप इसका बीच का इंस्ट्रूमेंट कंसोल देख सकते हैं, नीचे आपको एयर वेंट्स मिलते हैं, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ आता है गाड़ी। सो ये काफ़ी अच्छा फीचर है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल होना चाहिए। और वायरलेस चार्जिंग आपको खाली टॉप मॉडल में मिलेगा, यहाँ पे नॉर्मल चार्जिंग का फीचर दिया गया है। AMT वेरिएंट है आपको, सो AMT का कॉस्ट भी ज़्यादा है। इसका जो AMT वो काफ़ी स्मूथ है, क्योंकि हमने सेंट्रो का AMT ऑलरेडी देखा हुआ है मार्केट में, तो स्मार्ट ऑटो जिसे बोलते हैं लोग। तो सीट्स का कुशन मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और सीट का जो फैब्रिक यूज़ किया गया है वो भी काफ़ी प्रीमियम है। यहाँ पे आपको एक हनीकॉम लाइक डिज़ाइन मिलता है जो काफ़ी यूनिक लुक देता है डैशबोर्ड को। तो AC वेंट्स है इसके, आप नॉब रोटेट करते इसको क्लोज और ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपको मिरर मिलता है वो ऑटो डिमिंग नहीं, आपको मैन्युअली डिम करना पड़ता है। यहाँ पे कोई मिरर नहीं दिया गया है। यहाँ पे माइक्रोफोन मिलता है, और साथ में आपको को ड्राइवर साइड एक वैनिटी मिरर मिल जाता है। सो बीच में आपको जो केबिन लाइट है वो मिल जाती है। सो ओवरऑल गाड़ी का फिट एंड फिनिश और बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी लग रही है। गाड़ी का जो स्टेयरिंग है वो टिल्ट एडजस्टेबल है, तो हाइट के हिसाब से आप ऊपर नीचे इसको कर सकते हैं, ड्राइविंग पोजीशन अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं इसको। सो यहाँ पे आपको वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, और साथ ही साथ आपको राइट साइड में हेडलाइट के कंट्रोल्स मिलेंगे, ऑटो हेडलैम्प का फीचर नहीं आता है इसमें। तो वीडियो को एंड तक देखिए, काकि इसमें मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश की है। सो वीडियो थोड़ा लंबा बना है, बट इन्फॉर्मेशन बहुत देने की कोशिश की है मैंने। सो यहाँ पे एक यूटिलिटी स्पेस मिल जाता है, साथ ही इसका जो ग्लव बॉक्स है वो काफ़ी डिसेंट साइज़ का है, साथ ही साथ इसमें कूलिंग फीचर भी आता है जो कि अपने नॉर्मल ग्रैंड I10 में भी आता है। सो ऊपर डैशबोर्ड देख सकते हैं, काफ़ी प्रीमियम मटेरियल लग रहा है इसका। सो यहाँ पे आपको कप होल्डर वगैरह मिल जाते हैं, और चारों डोर्स में आपको बॉटल होल्डर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे डेड पेडल दिया गया है, और ब्रेक और एक्सेलेटर का पेडल आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे आपको पैर रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सो रियर से एक बार आप लुक देख सकते हैं रियर डोर का। सो ये भी ड्यूअल कलर में आता है, ड्यूअल फिनिश, जो दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। यहाँ पे भी आपको वो फिनिश मिल रहा है हनीकॉम वाला। पावर विंडो के कंट्रोल्स मिलेंगे आपको, साथ ही साथ बॉटल होल्डर भी मिलेगा। तो आप रियर का सीट देख सकते हैं यहाँ पे। सो हेडरेस्ट जो है वो इंटीग्रेटेड मिलेंगे आपको इसमें, टॉप मॉडल में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे रियर में। तो मैंने अपनी सीट आगे की अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखी है। सो रियर में मुझे काफ़ी अच्छा लेगरूम मिल रहा है इसमें, तो बैठने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, सीट काफ़ी कम्फर्टेबल लग रही है, और सीट के नीचे आपको पैर रखने के लिए जगह है तो और भी ज़्यादा कम्फर्ट बढ़ जाता है। और सबसे बड़ी बात, इसमें रियर में AC वेंट्स मिलते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है
और इंडिया के वेदर के हिसाब से काफ़ी हॉट वेदर है, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहता है। सो केबिन कूल डाउन करने के लिए एसी वेंट्स होना ज़रूरी है। आपको पावर सॉकेट मिलता है नीचे। सो पीछे से इसका जो डैशबोर्ड है वो काफ़ी प्रीमियम लगता है, आप यहाँ से एक लुक देख सकते हैं इसका। तो इसका प्राइस ज़्यादा इसलिए है क्योंकि इसका थोड़ा इंटीरियर भी उन्होंने प्रीमियम रखा है, और साथ ही साथ आपको ग्रैंड आई10 खरीदनी है तो वो भी शोरूम में अवेलेबल है। तो आप दोनों कंपेयर करके अपने हिसाब से आप खरीद सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। जिसको प्रीमियम चाहिए वो ये गाड़ी लेगा। तो सीट आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो जो ज़्यादा हाईलाइटेड फीचर्स है वो आपको टॉप मॉडल में ही मिलेंगे। तो पार्सल ट्रे मिलता है आपको रियर में भी। तो इसका रियर लुक एक बार ही देख लेते हैं। रियर में आप जो बूट है यहाँ पे रियर व्यू कैमरा मिलता है आपको, जो काफ़ी अच्छे से इंटीग्रेट किया गया है। यहाँ पे आपको नीचे एक बटन मिलेगा, वो प्रेस करने से इसका बूट ओपन हो जाएगा। तो इसका जो बूट स्पेस है वो 260 लीटर का दिया गया है। सो वो डिसेंट सा है, बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं। तो काफ़ी अच्छा बूट स्पेस है, डीप दिया गया है काफ़ी। सो इसमें आप काफ़ी सामान रख सकते हैं। बट थोड़ा सा उसका लोडिंग लिप है तो हेवी सूटकेस उठाने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बट सामान इसमें काफ़ी आ जाएगा। स्पेयर व्हील जो है आपको वो मिलता है 165/70 प्रोफाइल के साथ, R14 का स्टील व्हील मिलेगा आपको स्पेयर व्हील में। ओवरऑल इसका बूट भी काफ़ी यूजेबल है, बूट में कोई आपको बैकलाइट वगैरह नहीं मिलता है इसमें। सो बूट तो मैंने क्लोज कर दिया है। तो रियर का लुक भी मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगा एज कम्पेयर टू ओल्ड I10। यहाँ पे आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। मैंने इसके सारे फीचर्स वीडियो के एंड में डाल दिए हैं, इसका एक चार्ट है वो भी आप देख सकते हैं। ओवरऑल फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छी लगी। इसका टर्निंग रेडियस 4.8 मीटर का दिया गया है और फ्यूल टैंक कैपेसिटी 37 लीटर की है, जो कि काफ़ी डिसेंट है। तो मेरे हिसाब से मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास शेयर की है। आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये रहा इसका एक चार्ट, इसमें आपको सारे फीचर्स हाईलाइटेड है जो कि टॉप मॉडल में आपको मिल जाएंगे। अलॉयज और इंटीरियर के बारे में इन्होंने इन्फॉर्मेशन शेयर की है, इसमें आप वीडियो पॉज करके इसको रीड कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू।